अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं। इस्लामाबाद की तारीख का शायद सबसे ख़तरनाक और इंसानियत सूज केस सुना जा रहा है और केस नूर मुकदम केस है। एक फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी जिसे अपने घर बुलाकर ज़ाहिर जाफर ने तकरीबन 3 घंटे टॉर्चर करके उसे कत्ल किया, उसका सर उतारा और मुबैना तौर पर उसकी बेहुरमती की है, उसकी लाश की बेहुरमती की है। आज ये शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश हुए और इन्हें 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड के लिए पेश कर दिया गया है। उनके जो लॉयर हैं शाह खावर साहब, आज उनसे भी बड़ी डिटेल में बात हुई, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये मुजरिम अपनी सर की पूनी चेंज कर रहा है। हमने नोट किया कि जो पिछली पेशी पर उसकी शर्ट थी, शर्ट तो नहीं तब्दील हुई, उसके स्लीपर भी सेम थे, लेकिन उसके सर की जो पूनी है वो चेंज हो रही है। यानी वो जेल में भी अपने जो बाले हैं उनका भरपूर ख्याल रख रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसके बाल धोए जा रहे हैं इस भयानक मुजरिम के, और आज उसकी पूनी चेंज थी। लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये था कि जो नूर मुकदम हैं उनके वालिद साहब, शायद इस सारे क्राउड में, इस सारी रश में, जो एक शख्सियत जिसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जो परेशान थी, जिसकी नींदें शायद गायब थी, वो नूर मुकदम के वालिद थे। आज वो भी यहाँ अदालत में पेश हुए और शाह खावर साहब ने बताया कि जनाब जो पोलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से जो चैम गोइयाँ चल रही हैं या बहुत सारे जो अखबारात में ये चीज़ छपी भी है ऑफिशियली कि जनाब पोलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये एक गैर यकीनी एक कोई बात नहीं है, ये फिजल आउट कर दें ये बात, इसका कोई लेना देना नहीं है इस केस से। बट फोटोग्रामेटिकल एक टेस्ट हुआ है, यानी जो सीसीटीवी फुटेज आई है हमारे पास, उस सीसीटीवी फुटेज में जो मुजरिम मौजूद है और जिस तरह की वारदात कर रहा है, इस टेस्ट में इस बात का तायुन किया गया कि आया वो मुजरिम और उस सीसीटीवी फुटेज में जो शक्ल मौजूद है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। शाह खावर साहब ने बताया कि जो 40 घंटे की फुटेज है उसमें कुछ नए करेक्टर्स सामने आए हैं और उन नए करेक्टर्स के हवाले से भी बात की जा रही है कि उनकी जिम्मेदारियाँ भी तायुन किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि किसका कितना रोल है, और उसी हिसाब से चलान में उन्हें पेश किया जाएगा और अदालत में उन्हें भी रूबरू करवाया जाएगा। मजीद ये भी कहा गया और इस बात की भी कोशिश की गई कि जो करेक्टर्स मौजूद हैं वीडियो में, आया उन्हें कन्फ्रंट करवाने की ज़रूरत है ज़ाहिर जाफ़िर के साथ या नहीं, लेकिन वाज़ह तौर पर यह बताया जा रहा है कि उन्हें कन्फ्रंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस की। शाह खावर साहब ने इस बात को बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि सारी तहकीकात हो चुकी हैं, मुजरिम अपना जुर्म मान चुका है, उसने ये घिनौना जुर्म किया है और इसकी जो बाकी प्रोसीडिंग्स हैं वो 14 दिन बाद पे होंगी, यानी जब एक फॉर्मल कार्रवाई के बाद पुलिस अपना चलान फॉर्म पेश करेगी और जो एक कंसर्न ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर इस केस को सुना जाएगा, तो वहाँ पर मजीद जो बातें हैं या जो हकायक हैं वो सारे आपके सामने रखेंगे। एक इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, नेशनल मीडिया, सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, सोशल मीडिया, ह्यूमन राइट्स के लोग भी मौजूद थे और ये सारी कार्रवाई हुई। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 11 बजे का हमें कहा गया था कि आज ये मुजरिम को पेश किया जाएगा, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे पेश किया गया। जब हमने इस बात पर एहतजाज किया और पूछने और समझने की कोशिश की कि रोज़ाना की बुनियाद पर इतना लेट क्यों किया जा रहा है, तो बताया गया कि चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और लोगों में इश्तियाल भी ज़्यादा है इस सारे वाक़े के ऊपर, तो इस बात को यकीनी बनाया गया कि 1-1.5 बजे जब ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, जब रश थोड़ा कम हो जाता है, तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड की निगरानी में इस मुजरिम को ज़ाहिर जाफिर को यहाँ पर पेश किया जाता है। ज़ाहिर जाफिर जब यहाँ पर आया, मैंने उसके शॉट्स भी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं, उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, कोई निदामत नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, वो उसी तरह से चल रहा था, इधर उधर तो खैर वो देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई हवाइयाँ उसकी नहीं उड़ी हुई थी, ये इस बात का सबूत था या शायद वो समझ रहा है अपने तौर पर, क्योंकि उसका ताल्लुक एक बड़े फैमिली से है, एक इंटरनेशनली उनका एक होल्ड है, एक पर्सनालिटी है, जाने जाते हैं, इसलिए शायद वो इस अदालत से निकल आएंगे और इस केस से भी निकल आएंगे। लेकिन अच्छा रोल ये है कि पाकिस्तान का और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इस सारे केस को कवर कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।